प्रोटेक्शन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एक बार फिर से बड़ी सफलता हाथ लगी है। जहां आपको बता दें कि पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र में बड़े बड़े ब्रांड्स के नकली प्रोडक्ट्स को बरामद किया गया है। जी हां, पटना सिटी के आलम थाना क्षेत्र के त्रिपोलिया स्थित पथरी घाट के समीप एक किराए के मकान से बड़ी मात्रा में और बड़े बड़े ब्रांड्स के नकली प्रोडक्ट्स को बरामद किया गया है। आलमगंज थाना पुलिस और ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर इस छापेमारी को अंजाम दिया है। कार्रवाई के दौरान लाखों के नकली प्रोडक्ट्स जैसे हार्पिक, नाइशल पाउडर, नवरत्न, हिमालय के कई प्रोडक्ट, सिप्ला, लिफ्टी 52 और अन्य नकली प्रोडक्ट्स को पकड़े गए हैं। नकली रैपरों का उपयोग कर इन उत्पादों को असली दिखाने की कोशिश की जा रही थी, जिससे ग्राहक धोखे में आ रहे थे। इस छापेमारी में खुलासा हुआ है कि नकली प्रोडक्ट्स का निर्माण और भंडारण एक किराए के मकान में किया जा रहा था, जहां से इन्हें बाजारों में सप्लाई किया जाता था। ये नकली प्रोडक्ट मुख्य रूप से छपरा, सिवान, गोपालगंज और उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में भेजे जा रहे थे। पुलिस और ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के जब अधिकारी वहां पहुंचे तो आरोपी पहले ही फरार हो चुके थे। ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के एमडी सैयद मुस्तफा हुसैन ने बताया है कि इस गुप्त सूचना पर कई दिनों से निगरानी रखी जा रही थी। उनके अनुसार यह नकली सामान बनाने और बेचने का एक संगठित गिरोह है, जो बड़े पैमाने पर फर्जी प्रोडक्ट बाजार में सप्लाई कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि यह छापेमारी आगे की जाँच के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और अब पुलिस इन नकली प्रोडक्ट्स के पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है और पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने उस मकान को सील कर दिया है और वहां से बरामद प्रोडक्ट्स को जब्त कर लिए हैं। जल्द ही इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने की योजना बनाई जा रही है। इसको लेकर ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के एमडी सैयद मुस्तफा हुसैन क्या कुछ कह रहे हैं, वो जरा सुने आप लोग। देखिए, हमारी क्लाइंट कंपनी है जाइडस वेलनेस है, उसके बाद से हिमालय है, रैकेट बैंकाइजर है और भी काफ़ी कंपनी है, जिसका हम लोगों को सूचना मिल रहा था कि नकली प्रोडक्ट जो है काफ़ी लार्ज स्केल पर पूरा सिवान, छपरा और जो है यूपी बॉर्डर तक भी जा रहा है। तब हमारी टीम जो है पिछले महीनों से इन्वेस्टिगेशन मार्केट में सर्वे कर रही थी, तब जाकर ये फाइनली पता लगा कि ये आलमगंज थाना एरिया के त्रिपोलिया में इसकी ये फैक्ट्री है। यहीं से प्रोडक्ट बनकर सारे मार्केट में जितना है, सिवान है, गोपालगंज है, छपरा है और भी जहाँ जहाँ गया है, हर जगह जा रहा है। तो इस बात की सूचना जो है हमारी टीम ने है थाना अध्यक्ष को आलमगंज को दिया और उनके निर्देश पर जो है हमारी टीम में साथ मिलकर वहाँ पर रेड किया गया। यहाँ पर भारी मात्रा में नकली हार्पिक है, नाइसिल पाउडर है और उसके बाद से किटोकिप शैम्पू है, फिनिश प्रोडक्ट, अनफिनिश प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल्स, सारा सब कुछ है यहाँ बरामद हुआ है। नवरत्न तेल भी है और हिमालय का भी आपको ये हो गया, लिफ्टी 52 सिरप है, ऐसा काफ़ी ब्रांड है जो यहाँ पर नकली सीज किया गया है। यहाँ से हर जगह सप्लाई हो रहा है, इसका लाखों में है। इसमें मतलब हम लोग अभी जाँच चल रहा है, इसमें जांच चल रहा है आगे का जो इसके फैक्ट्री के मालिक संचालक हैं वो पेपर पर ये लिखा रहा है हम लोग, ठीक है ना। पहले भी हम लोग इनके एक आदमी को हम लोग पकड़े थे सिवान में, तो इसके बाद से फिर हम लोग का इस पर ये चल रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है, हम लोग FIR लिख कर दे रहे हैं आलमगंज थाना में। तो आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा है। पटना सिटी से अनिल कुमार की रिपोर्ट।